अगर आप भी बाजार से कोई चीज खरीदते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और आपको खराब चीज मिलती है और दुकानदार चीज को बदलने से मना कर देता है या फिर जो उस पर वारंटी देती है वो वारंटी जो देने से कंपनी मना कर देती है, तो किस प्रकार से उसकी शिकायत आप कंज्यूमर फोरम पे करते हैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले देखिए आपको consumerhelpline.gov.in की वेबसाइट पे आना है, लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप आएंगे तो शिकायत दर्ज करने के आपको 2 से 3 तरीके मिलेंगे। इसमें पहला तरीका है, देखिए आप इस नंबर पर SMS के माध्यम से आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके अलावा देखिए एक टोल फ्री नंबर दिया है, इस पर कॉल करके भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो 2 तरीके तो आपने जान लिए कि इस नंबर पर कॉल करके भी करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज कैसे कराएंगे। तो देखिए उसके लिए आपको यूजर लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज आएगा। अगर आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए देखिए नीचे लिखा है साइन अप, तो यहाँ पर आपको साइन अप पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही ये फॉर्म आएगा छोटा सा, इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कैप्चा, ये कुछ बेसिक जानकारी भर के आपको यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। जब आप यहाँ रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो साइन इन के बटन पे क्लिक करना है, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड भरना है या फिर OTP के थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होते ही देखिए इस प्रकार से पेज आएगा जहाँ पर सबसे पहले कुछ जानकारी दी गई है कि ये जो मैटर है इनके ऊपर आप यहाँ पर शिकायत दर्ज नहीं कर सकते, जैसे RTI मैटर है, कोर्ट का मैटर है, ठीक है, या गवर्नमेंट का कोई मैटर है, रिलीजन का कोई मैटर है, या कोई सजेशन है, तो इन पर शिकायत दर्ज नहीं होगी। चलिए हम आगे एग्री करते हैं और अब आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कंज्यूमर गवर्नेंस, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है और नीचे लिखा है फाइल कंज्यूमर कमीशन ई दाखिल कंप्लेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गवर्नेंस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करानी है। अब देखिए यहाँ पर गवर्नेंस होने के बाद यहाँ पर टाइप में गवर्नेंस आएगा या क्यूरी, तो हमें गवर्नेंस लेना है। यहाँ पर देखिए गवर्नेंस सर्टिफिकेशन है तो गुड्स है या सर्विस है, तो देखिए यहाँ पर गुड्स है। अगर कोई सर्विस आपने ली है और वो नहीं मिला है तो सर्विस चुनेंगे, तो मैं यहाँ पर गुड्स सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ स्टेट चुनना है कि आपका क्या स्टेट है, तो मैं अपना स्टेट चुन लूँगा। इसके बाद देखिए सिलेक्ट योर सिटी, तो आपको परचेज की जो सिटी है वो सिलेक्ट करनी है। सिटी सिलेक्ट करने के बाद देखिए कौन सी सेक्टर या इंडस्ट्री है जहाँ से आपने लिया है, किस सेक्टर का है, तो वो आपको बताना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर ऑनलाइन जो खरीदा है तो उसके लिए देखिए हमने ई कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कैटेगरी आती है तो क्या है यहाँ पर हमें कैटेगरी में चुनना होगा, तो यहाँ पर देखिए हम ऑनलाइन शॉपिंग चुनेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग चुनने के बाद यहाँ पर बताना है किस कंपनी से शॉपिंग करी है, तो जैसे देखिए मैंने फ्लिपकार्ट से करी है। अगर आपने कोई दुकान से खरीदा है लोकल से तो वो आप उस हिसाब से चुन सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्लिपकार्ट सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद देखिए प्रोडक्ट का सर्विस टाइप क्या था वो आपको बताना है। उसके बाद ऑर्डर नंबर यहाँ बताना है, ऑर्डर नंबर के बाद देखिए नीचे आना है तो जो आपने ट्रांजेक्शन करा है उसकी ट्रांजेक्शन आईडी, और यहाँ पर डेट ऑफ परचेज वो आपको बताना है। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो पहले आप मोबाइल नंबर लिखेंगे फिर और के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी लिखेंगे। उसके बाद देखिए अगर आपने पहले कोई शिकायत दर्ज करी है तो उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पर देना है, और नहीं करी है तो छोड़ देना है। कितना पैसा आपने दिया है वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको नीचे चले आना है और देखिए यहाँ पर लिखा है नेचर ऑफ ग्रीवेंस, किस टाइप की शिकायत है वो आपको बताना है, क्या आपके साथ समस्या हुई है, तो वो आपको यहाँ पर चुनना है कि फ्रॉड हुआ है, क्या हुआ है, वो आपको यहाँ बताना है। उसके बाद वैल्यू क्या थी उसकी, जो आपने खरीदा है क्या उसकी कीमत थी, तो वो आपको यहाँ बता देनी है, 1000 से 2000 या 1000 से 10000 या 10000 से 1 लाख उसकी कीमत थी, तो वो आपको बताना है। उसके बाद देखिए जहाँ से आपने खरीदा है उसका डीलर का पूरा एड्रेस विद ईमेल आईडी के साथ आपको यहाँ पर लिख देना है, और उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, और नीचे आपको देखिए अपनी शिकायत बतानी है कि आपको क्या समस्या हुई है, तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में पूरी समस्या अपनी लिख देनी है। उसके बाद देखिए नीचे आना है और यहाँ पर अगर आपके पास कोई समस्या के फोटो हैं, जैसे कोई डिफेक्टिव चीज मिली है या कुछ और भी है जो विल है, तो उसके यहाँ पर आपको प्रूफ जो है अपलोड कर देने हैं। प्रूफ अपलोड करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर सारी जानकारी भर के सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए सारी जानकारी भरते हैं और फिर सबमिट करके आपको बताते हैं।
जैसे ही आप कंप्लेंट दर्ज कर देंगे, देखिए इस प्रकार से लिखा आएगा, वेल डन योर ग्रीवेंस हैज बीन सक्सेसफुली लॉगेड योर डॉकेट नंबर इतना इतना। तो फ्रेंड्स आपकी शिकायत दर्ज हो चुकी है और आपकी शिकायत चली गई है, अब आपको कुछ समय का इंतजार करना है। और आप चाहें तो यहाँ पर देखें ग्रीवेंस हिस्ट्री पर क्लिक करके अपनी शिकायत की स्थिति चेक कर सकते हैं कि आपका क्या यहाँ पर हुआ है शिकायत का। और फ्रेंड जब इस शिकायत का रेसोल्यूशन हो जाएगा तो आपको जो सेवा है वो यहाँ पर मिल जाएगी, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।